जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। इस योद्धा की वजह से मिला राम मंदिर, मोदी योगी भी इनके आगे नतमस्तक। हाँ तो ये तो योद्धा है ही, लेकिन उसके पहले भी बहुत सारे योद्धा ने मेहनत की। करीबन 500 ईयर से कई सारे लोगों की इसमें जाने गई है, अब जाके हमें राम मंदिर मिल रहा है। चलो दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं, आशा करते हैं आपको पसंद जरूर आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। साल के लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने की शुभ घड़ी आ गई है। पूरे देश में उत्साह और उत्सव का माहौल है, लेकिन इस शुभ घड़ी तक पहुंचने तक का इतिहास तमाम संघर्षों भरा रहा है। राम मंदिर के आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है बाबरी का विध्वंस, और इस आंदोलन के नायक हैं दो बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह, यानी सबके चहेते बाबू जी। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं, और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं, और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे पर लिपटा रहेगा। अयोध्या कूच कर रहे थे, पुलिस प्रशासन की तमाम कोशिशें राम भक्तों को अयोध्या सीएम बनते ही कल्याण सिंह रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंच गए। इस पवित्र धरती पर पहुंचकर उन्होंने अपने प्रण को दोहराते हुए हुंकार भरी,
रामलला आपका भव्य मंदिर बनकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इन शब्दों से राम भक्तों को कल्याण सिंह से कल्याण की आस जगी। इसी आस की एक वानगी थी कि राम भक्तों ने नारा दिया, कल्याण सिंह कल्याण करो, मंदिर का निर्माण करो। ये नारा इतना लोकप्रिय हुआ कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने में इसकी गूंज सुनाई देने लगी। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर कल्याण सिंह ने सिर्फ और सिर्फ एक सपना देखा था। वो सपना था राम मंदिर का। जब सपने को साकार करने के लिए एक्शन लिया तो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ कल्याण सिंह का नाम गूंज गया। 6 दिसंबर 1992, ये महज एक तारीख भर नहीं है, ये वो दिन है जो जब जब राम मंदिर आंदोलन का जिक्र होगा तब तब इसे याद किया जाएगा। कल्याण सरकार को साल भर ही हुआ था। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अपने आवास पर अपने दो सहयोगियों के साथ टीवी पर न्यूज देख रहे थे। अयोध्या में कार सेवकों का सैलाब बाबरी ढांचे की ओर बढ़ रहा था। पिछली सरकार के दौरान गोलीबारी झेलने वाले कार सेवकों का जोश इस बार हाई था और वजह थी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक राम भक्त का बैठा होना। कार सेवकों पर बाबरी के ढांचे को नेस्तनाबूद करने का जुनून सवार था। आज बसराम के लिए कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश थी। देखते ही देखते कार सेवक बाबरी की गुंबद पर चढ़ गए। कुछ ही देर में अन्याय के प्रतीक के तौर पर खड़े ढांचे को कार सेवकों ने ध्वस्त कर दिया। इस घटना से दिल्ली तक अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री ने कल्याण सिंह को फोन मिलाया, लेकिन कल्याण सिंह झुके नहीं। कल्याण सिंह ने साफ शब्दों में कह दिया, मैं गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा। एनआईसी की मीटिंग में मैंने स्पष्ट किया था, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। कल्याण सिंह ने हर दबाव को खारिज करते हुए कार सेवकों पर एक्शन लेने की अनुमति नहीं दी और यहीं से राम भक्तों के लिए नई सुबह का उदय हुआ। कल्याण सिंह राम भक्तों के हीरो बन गए। कल्याण सिंह के दृढ़ संकल्प और साहस की वजह से आज राम भक्त असली विजय हासिल कर पाए। कल्याण सिंह ने त्याग के प्रतीक प्रभु श्री राम को न सिर्फ आदर्श माना बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में धारण भी किया। जिस तरह भगवान राम अपने पिता का वचन निभाने के लिए राज्य सिंहासन त्याग कर वनवास चले गए, उसी तरह राम मंदिर निर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद का त्याग कर दिया। जनता और कार सेवकों के प्रति कल्याण सिंह का स्नेह अनूठा था। उन्होंने अपने पद के सामने हमेशा जनता को आगे रखा, लेकिन जब बात बाबरी ढहाने की जिम्मेदारी की आई तो कल्याण सिंह ने डंके की चोट पर सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए अपनी पूर्ण बहुमत वाली सरकार कुर्बान कर दी। कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। कल्याण सिंह इस दिन के बारे में सीना ठोक कर बोलते थे, राम मंदिर बनाने की खातिर एक क्या 10 बार सरकार कुर्बान करनी पड़ेगी तो करेंगे। विवादित ढांचा नहीं बच जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपटकर जाए।
सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और समझने के लिए भी। हाँ, वो पूरी स्टोरी दिखाई है। तो ये थे हमारे कल्याण सिंह और ये असली इतिहास है। बिल्कुल, ये ओरिजिनल इतिहास है जो राम मंदिर के आंदोलन जब से स्टार्ट हुआ था उसका। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो विरोध पक्ष के नेता है जिसमें जिक्र भी किया गया था, उस नेताओं को मुलायम सिंह यादव वाले जो पूरा उस परिवार को और खास करके कांग्रेस को जिन लोगों को ऑलरेडी इनविटेशन दिया गया लेकिन वो भी आने के लिए मना कर रहा। अब समझ में आ गया मना क्यों कर रहे। उसमें सब समझ बिल्कुल दुनिया को हिस्ट्री पता चलेगी। अच्छी बात है ये वीडियो मतलब जनता के समक्ष आ गया तो कई सारे लोगों को पता नहीं होगा जिनको ये पता चला, साथ में हमें भी डिटेल्स में जानकारी मिली। बाकी आपको दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। आशा करते हैं पसंद जरूर आई होगी और पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।